जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ठहरो, तुम लोगों में से मेरे कोई करीब नहीं आएगा, कोई करीब नहीं आएगा। लेकिन लेकिन क्यों दिव्या? तुम लोग नीच धोखेबाज हैवान हो। मेरे साथ दगाबाजी की है तुम लोगों ने, मेरे भरोसे को तोड़ा है। लेकिन दिव्या, हम लोगों ने ऐसा किया क्या जो हम पे इल्जाम लगाती जा रही हूँ? मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है तुम लोगों ने, अब हम दर्द बन के मेरा दर्द बांटने आए हो? कोई जरूरत नहीं है, डोंट कम नियर मी। तुम्हें हम लोगों पर इस तरह शक करने का कोई हक नहीं है दिव्या। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम हमें गालियां देती रहो। तुम लोगों ने जो पाप किया है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा पाप किया हम लोगों ने दिव्या? इन दोनों के पाप में तुम सब बराबर के हिस्सेदार हो। तुम सबकी साजिश ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम सब गुनहगार हो, पापी हो। वसुंधरा, तुम्हारा ये हाल किसने किया? वसुंधरा, वसुंधरा, अच्छा हो तुम आ गए कपिल, मुझे नापाक करने के लिए ये सारे जिम्मेदार हैं। इसलिए मैंने इस जिस्म को खत्म कर दिया है। तुम्हें सौगंध है तुम्हारे सच्चे प्यार की, इन सबको खत्म कर दो, इन सब का नाश कर दो। वसुंधरा, मेरे साथ इस तरह से उस दिन तुमने एक को मारा और आज मैंने दूसरे को। हम लोग उन लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे कपिल, उनमें से कोई जिंदा बचना नहीं चाहिए। तुम्हारी शक्ति की एक सीमा है, तुम एक आत्मा हो और आत्मा सिर्फ इंसान के जिस्म में घुसकर उसे खत्म कर सकती है। लेकिन मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। मेरी ताकत की ना कोई हद ना कोई सीमा है।
दुनिया में ऐसा कोई रूप नहीं है जो मैं इख्तियार नहीं कर सकता। वो सब हम दोनों के दुश्मन हैं। मैं उन सबको ऐसी भयानक मौत दूंगा कि अगला जन्म लेने से पहले उन सब की रूह कांप उठेगी। अरे क्या मायूसों की तरह चेहरा लटका के रखा तुम लोगों ने? क्या हुआ तुम लोगों को? हाँ, उस दिव्या का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। उस दिन उन्हें माफी दिलाने की बजाय सजा दिलानी चाहिए थी। दोस्त के नाम पर गाली थे दोनों। अच्छा हुआ कुत्ते से भी बदतर मौत मरे। जैसे करनी वैसे भरनी। अगर वो उन कमीनों को नहीं मारता तो मैं उन दोनों को अपने हाथों से मार डालता। मगर वो था कौन और दिव्या के साथ उसका क्या रिश्ता था? मुझे तो डर लगता है कहीं इस मिस्ट्री के चक्कर में हम लोग न फंस जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत का सिलसिला शुरू हो गया और हम सब की जाने लेने के बाद ही ये खत्म हो? उस इच्छाधारी भयानक सांप की आंखों में हम लोगों की तस्वीरें छप चुकी होंगी। वो अब हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या बकवास कर रहा तू यार? अरे वो एक बुरा सपना था। इट्स ओवर। एवरीथिंग इज ओवर नाउ। इट्स सेलिब्रेशन टाइम नाउ। मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी अपने फार्म हाउस पर और मैं चाहता हूं कि तुम लोग सब उधर आओ। Because it's my birthday. Oh. अब क्या हो गया इसको? What nonsense? पता नहीं किस कबाड़ी की दुकान से तुम ये मोटरसाइकिल उठा के लाए हो। जब भी हमें किसी पार्टी में जाना होता है ये हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं बताता हूँ सीमा, इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ये मोटरसाइकिल मुझसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती है। जब तुम इस पे बैठती हो ना इसकी धड़कनें बंद हो जाती है। ओफो, come on Victor, we are already getting late. अब तुम ये सोचो कि यहाँ से जल्दी निकलकर हम जाएंगे कैसे वहाँ पर? I think there's a car over there. Let's go. भाई रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको, गाड़ी खराब हो गया? जी हाँ। इतना अच्छा छोकरी लेके घूमता है, खटारा गाड़ी काहे को रखता है? नया गाड़ी ले आओ। लिफ्ट देंगे या नहीं? हम फुल फैमिली के साथ पुणे जा रहा है, तुमको किधर जाने का है? लोनावला। हाँ लेकिन सिटिंग में जगह नहीं है। स्टैंडिंग ले जाओगे क्या? नहीं, तुम दोनों में से किसी एक को गोद में बिठा के लेके जाएगा, लेकिन तुम्हारा थोड़ा वजन ज्यादा है, हमारा गोद टूट जाएगा। पर मैं कैसे बैठ सकती हूँ उसकी गोद में? उसकी शक्ल तो देख, तेरे बाप को मर का आदमी है। यू जस्ट गो, आई विल कम, डोंट वरी, प्लीज गो। ओके। आराम से बैठो। बाय बाय। इनका ध्यान रखना। चिंता मत करो, चिंता मत करो। मरी गए हो रे? नहीं नहीं नहीं, तुम इधर नहीं। ऐसा करो तुम आगे बैठ जाओ। डॉली डार्लिंग तुम पीछे आओ, इसको आगे बैठने दो। हाँ बैठो बैठो, इधर बैठो। अरे इतना जोर से धक्का मारती है, धनसा खा के पारे की माफी हो गई है। क्यों बाबा जी, जोर की पड़ी ना? बहुत जोर का था, मालूम नहीं किसे मारा इसने। लिफ्ट? या लोनावला? यस। बैठो। थैंक यू वेरी मच। तुम अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता? मैं तो तुम्हारे दोस्त का नाम भी जानता हूं, अतुल। आखिर तुम हो कौन? मैं एक अनजान यात्री हूं जिसके साथ तुम आखिरी सफर कर रहे हो। अनजान यात्री, आखिरी सफर? मैं कुछ समझा नहीं। तुम जानना चाहते हो